हेलो गाइस, सो मैं दाल बनाने जा रही हूँ। सो सब्जी पक गया है। सो दाल बनाने जा रही हूँ। सो देखते रहिएगा गाइस, मैं दाल के बहुत सिंपल बनाऊंगी। बहुत सिंपल दाल बनाऊंगी मैं। वेरी मच अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, फॉलो करना गाइस। तो मैं इसमें प्याज नहीं डालूंगी, सिर्फ गार्लिक। ठीक है मम्मा, आ रही हूँ, जाओ थोड़ा और ट्राई करो। सो गाइस, तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं लहसुन छीलती हूँ। लहसुन बहुत अच्छी है सर्दी खांसी के लिए, उसकी खुशबू। मैं जिंजर नहीं डाल रही हूँ कि दाल में ना जिंजर थोड़ा धागा धागा सा लगने लगती है। सो इसीलिए दाल में मैं जिंजर यूज़ नहीं करूँगी। मैं ठंडी में यूज़ करते थे विंटर में, थोड़ा तीखा तीखा सा अच्छा लगते हैं खाने के। लहसुन को थोड़ा कूट देती हूँ मैं, ऐसे मेरे पास कूटने वाला है लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं करूँगी। सो मुँह पे एकदम दाना सा आता है ना तो अच्छा नहीं लगता। सो थोड़ा दरदरा सा रखी हूँ मैं गार्लिक को, और जीरा से ही छौंक लगाएंगे। स्पून है यूज़ करती हूँ मैं, यहाँ साइड पे रखी हूँ। दाल को मैं यहाँ पे उबाल कर रखी हूँ, ऑलरेडी उबला हुआ है लेकिन ये मैं आज जल्दी उबाल के रखी हूँ इसको। सो ठंडा हो गया था, मैं इसको थोड़ा गर्म कर रही हूँ दाल को इधर, और ज़्यादा गाढ़ा था तो मैंने थोड़ा ग्रेवी डाली हूँ। सो इसीलिए उसको थोड़ा गर्म कर रही हूँ। सो कढ़ाई पे डालेंगे तो फिर ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा हमें। कढ़ाई पे डालेंगे तो धनिया वनिया डालने के बाद ऑफ कर देंगे फ्लेम। लेट्स स्टार्ट फ्राई करने का। मैं जीरा डालने के बाद फ्लेम को लो कर दूंगी। अरे तेल ज़्यादा गर्म हुआ ही नहीं है, मैं फिर भी चटक रही है, चटकने देते हैं। मुझे लगा तेल ज़्यादा गर्म हो गया, सो धनिया जीरा डाल दिया, लेकिन तेल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है गाइस, लेकिन फिर भी चटक रहा है तो चटकने देते हैं। हल्का ब्राउन करते हैं, फिर उसके बाद मैं गार्लिक को डाल दूँगी, फिर उसके बाद टमाटर डालेंगे। टमाटर को पकाने के बाद मैं मसाला डालूँगी। मसाला में मैं क्या यूज़ करूँगी, दाल को मैंने ऑलरेडी हल्दी डाल के उबाली थी, नमक और हल्दी दाल को रेडी है, नमक डालने की ज़रूरत नहीं है मे बी। सो लेट्स चेक करते हैं आफ्टर इसमें डालने के बाद, बनाने के बाद। मैं उसमें सिर्फ यूज़ करूँगी धनिया पाउडर और चिली पाउडर, ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करना क्योंकि हल्दी डाल के ही इसको, देखो हल्दी का कलर है ना, ये देखो हल्दी डाल डाल के उबाली थी मैंने। सो गाइस, ये जीरा ब्राउन हो गया है तो मैं गार्लिक को डाल दिया, फ्लेम को लो कर दिया मैंने कि गार्लिक ज़्यादा ब्राउन होता है ना तो भी अच्छा नहीं लगती है, बस हल्का सा 2-3 सेकेंड भून लेते हैं ताकि खुशबू आने के लिए। सो अभी देखो हल्का सा ब्राउन हो गया, सो टमाटर को डाल देते हैं मैं। अभी फ्लेम को हाई कर दिया कि टमाटर को फ्राई करना है हमें। सो
सो बहुत इजी दाल कुकिंग रेसिपी है। तो देखते रहिएगा गाइस, मैं तब तक धनिया रेडी करती हूँ, तब तक ये दाल भी बॉईल हो जाएगा। ऑलरेडी पका हुआ है, बस उसको उबालना है मुझे। तो यहाँ पे ये हुआ है, टमाटर को पकाती है, फिर इसमें मसाला डाल दूंगी। प्याज को पूरी ले जाए, धनिया थोड़ा सा धनिया है मेरे पास। सो ये कुछ और, ये प्याज को तो मैं मसाला डाल देती हूँ। तो मैं फ्लेम को लो कर दिया है, क्योंकि हम लोग अभी चिली पाउडर और चिली पाउडर और धनिया पाउडर यूज़ करना है। हमें वन स्पून से ज़्यादा ही यूज़ कर रहे धनिया पाउडर में, क्योंकि हल्दी ऑलरेडी मैंने ऐड कर चुका है गाइस, दाल पकाते समय ही उबाल दिया था साथ में ही। सो मैं फ्लेम को ऑफ करते ताकि मसाला ना जल जाए, अभी ऑन करते हैं दोबारा से। दूसरी भी ऑफ कर दिया, कुकर बड़ी। सो मैं हरी दाल को इसमें ऐड कर देती हूँ गाइस, ठीक है? देखते हैं, गर्म है। मैंने डाल दिया, देखो गाइस दाल कितनी अच्छी कलर आई है। सो अभी हम लोग स्टील वाली यूज कर सकते हैं, बस इसमें ज़्यादा देर नहीं उबालेंगे। एक बार उबालने के बाद धनिया डाल देंगे, फिर रेडी हमारी दाल रेडी हो जाएंगे। ये है मसूर दाल है गाइस, आज मैं सिर्फ मसूर दाल बनाया है। लोग दाल जो है दाना दाना पकाते हैं, तो जैसे ऐसे करने से दाना दाना ऐसे मोटा मोटा दिखाई देता ना, लेकिन हमारे घर में ऐसे मोटा दाल नहीं खाते हैं। अगर काली दाल बनता तो उसमें थोड़ा मोटा मोटा होती है, दरदरा सा होता है, वो चलता है, लेकिन बाकी दालों में इतना दरदरा सा नहीं खाते हैं हम लोग। एकदम पका के एकदम पतला, देखो उबाल आने लगी बहुत जल्दी। सो मेरे पास एकदम थोड़ा सा धनिया था, तो मैं उसी को ही नमचौक करके डालूंगी गाइस। सो मेरा सब्जी भी रेडी है, सो दाल भी कुक हो रही है। तक ना थोड़ा सा ये दाल जो ऊपर का, जो ये ऊपर का ये सब है ना, थोड़ा सा निकाल देती हूँ मैं। ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे देखने के लिए।
थोड़ा सा रहने से कुछ नहीं है। थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। दाल में ना धनिया नहीं डालती हूँ, तो एकदम देखने के लिए बहुत बेकार लगती है। सो थोड़ा सा भी वो मतलब एक दो तीन चार ग्रीन दाना रहने से ना अच्छा लगता है। सो गाइस डाल दे रही हूँ मैं धनिया। धनिया डाल दिया गाइस। सो देखा बहुत इजी जल्दी पक गया ना दाल, देखो। सो दाल इज रेडी गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, कुकिंग्स वीडियोस। गाइस आप लोग को अगर पसंद आया है, देख रही हो मेरे वीडियोस, सो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट कर देना। वंस अगेन मैं आप लोग को बार बार कहते रहते हूँ, आप लोग के बिना मेरा व्यूज़ आगे नहीं जाएगा गाइस। सो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग सबको, मेरे व्यूज़ मेरे वीडियोस आगे बढ़ा दो। मैं आप लोग से ही रिक्वेस्ट मांगती हूँ गाइस। मैं इस चैनल पे नई हूँ, मतलब मेरी जो चैनल मैंने रीन्यू बनाया, सो मैंने एक साल भी नहीं हुआ है इसको चलाते हुए। सो गाइस आप लोग लाइक एंड शेयर कर देना, अगर आप लोग को अगर पसंद भी ना आए ना तो देख के ऐसे शेयर कर देना, कोई किसी ना कोई ना कोई तो फॉलो करेगा गाइस, किसी नहीं तो किसी को तो पसंद तो आएगा। तो आप लोग बस यूँ, आप लोग को अगर पसंद नहीं आया देखो मत, लेकिन शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। See you in next vlogs guys. Bye bye. Have a nice day. Bye.